मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है और यहाँ पर जो गड्ढे में जो बस जा रही है ये अपना नबी मस्जिद के पास, तो ये गड्ढा फंस गई है बस, पूरी कमांड का फंस गई है। बच्चे स्कूल में, स्कूल के बच्चे इसमें थे, बस पलट भी सकती थी, नुकसान सबको हो सकता था। ये हमारी निवेदन है कि अपना इनसे कारपेंटर से कि ये देखो रोड देखो, यहाँ के पूरे मैक्सी पलट जाती है, गड्ढे है, ये वो बना के गए, दिखावा ऐसी कोई मतलब नहीं है। ये आप ये भैया कौन सी स्कूल? नमस्ते, मेरा नाम है प्रवीण किशोर पिल्लेवान। मैं विशाखा हाई स्कूल से, विशाखा माध्यमिक हाई स्कूल से बस चलाता हूँ और आए दिन मुझे ये रास्ते से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मेरे जैसे बाकी ड्राइवर लोगों को भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आए दिन कभी रोड पे मिट्टी जमा रहती है, कभी पानी जमा रहता है, कभी टर्निंग में तकलीफ होती है। तो इसके आगे में भी ये तो कुछ नहीं, ये भी यहाँ पर भी फंस गई है और आगे में भी बहुत ऐसी जगह है, वहाँ पर भी बस फंस सकती है, फंसती भी है। मैं सविता साधरे बात कर रही हूँ। मैं विशाखा स्कूल में हूँ और हमारी बस यहाँ पे फंस गई है। तो अभी बस गया पलटने वाली थी पर अच्छा हुआ वो पलटी नहीं। तो नगर सेवक का काम है कि रोड बनाना चाहिए। 50 बच्चे थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं सातवीं आठवीं KG1 KG2 पलट जाती थी। रोड मेरा नाम विश्वनाथ सेवकदास निखारे है। मेरी यहाँ अन्वय किराना स्टोर है और मेरे दुकान के सामने ये हादसा हुआ है। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। 4 साल से 5 साल से रोड बना हुआ नहीं है। वार्ड मेंबर गोतमारे को हमने कई बार बोला है लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। आए दिन यहाँ बस पलटती है, बस फंसती है, और तो और ऑटो पलट जाता है, रिक्शा पलट जाता है, और गाड़ी वाले बाइक वाले गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाती है। और अभी 2 दिन पहले इन्होंने गिट्टी डाले, दूसरे दिन आके उखाड़ लिए। हाँ, और उसके ट्रैक्टर से, गिट्टी के डोजर से, वो बुलडोजर से वहाँ उतना बड़ा गड्ढा हो गया। हाँ, और